पातावे रमणे शिखापदं समादियामि। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय आर एस कुशवाहा जी, इसकी अध्यक्षता कर रहे भगवान दीन मौर्य जी, अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी, माननीय सौरभ सिंह यादव जी, माननीय राकेश कुमार मौर्य जी, माननीय गोमती प्रसाद मौर्य जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, और हरिश्चंद्र मौर्य जी जो लखनऊ में अशोक क्लब का कार्य देखते हैं, उन सब का मैं बहुत आभारी हूँ जो मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मुझे भी अपनी दो बात कहने का मौका दी। जैसा कि आप लोगों ने अपना विषय बिंदु रखा है राष्ट्रीय प्रतीकों के महत्व के बारे में, राष्ट्रीय प्रतीकों के महत्व के बारे में ये बहुत अच्छा विषय है, हमको जानना चाहिए। यदि हम अपने देश में रहते हैं, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमको अपने देश में रहने का अधिकार नहीं। ये बेसिक चीज है। हमारे देश की पहचान क्या है, पहले ये जानने की कोशिश करें। जो लोग कहते हैं कि हम बुद्ध को नहीं मानते, जो लोग कहते हैं कि हम बुद्ध को नहीं मानते, हमारा उनसे प्रश्न है क्या वो भारत को मानते हैं? जिससे भी पूछिएगा आप भारत को मानते हैं, सबका एक ही जवाब होगा, बिल्कुल क्यों नहीं मानेंगे, भारत मेरा देश है, यहाँ पे हम जन्म लिए, यहाँ आप पैदा हुए, भारत हमारी जननी है, मैं इसको क्यों नहीं मानता, मैं इसको पूरा सम्मान देता हूँ, मैं इसके लिए अपनी जान दे सकता हूँ। फिर उनसे पूछिए आपके भारत की पहचान क्या है, तो बताएंगे भारत की पहचान यानी हमारी राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का लाट है। जो भारत को मानता है उसको अशोक के लाट को भी मानना पड़ेगा। जब वो अशोक के लाट को मानता है तब उससे पूछिए अशोक किसको मानता है, तो अशोक जब पूछिएगा किसको मानता है तो उसका उत्तर यही होगा, अशोक बुद्ध को मानता है। यानी ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा A=B और B=C, तो अपने आप A=C होता है। यानी भारत की पहचान अशोक के लाट से, अशोक के लाट की पहचान बुद्ध से, तो भारत की अपने आप पहचान बुद्ध से है। जो भी व्यक्ति ये कहता है कि मैं बुद्ध को नहीं मानता, वो भारत को भी नहीं मानता, वो अशोक को भी नहीं मानता, उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम जो है भारत के राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को देखते हैं, उस तिरंगे झंडे में क्या बना, तिरंगे झंडे में अशोक चक्र बना। हमने कभी सोचने की कोशिश किया वो चक्र कहां से लिया गया, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। कोई कहता है सुदर्शन चक्र है, पता नहीं कौन सी अलग 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 भाषा लोग कहते हैं, वो चक्र जो है कहां से लिया गया है, मैं आज आपको बताता हूं। भगवान बुद्ध के दोनों हाथ के जन्म से ही चक्र बना, ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीईआरटी की जो बुक है आपने सारे पढ़ाई जाते हैं उसमें लिखा हुआ, भगवान बुद्ध के हाथ पे दोनों हाथ पे जन्म से चक्र बने, वही से चक्र सम्राट अशोक ने लिया है, वही चक्र हमारे तिरंगे झंडे में है, वही चक्र अशोक के लाल में। हम चक्र को देखते हैं लेकिन ये पहचानते नहीं कि चक्र है क्या चीज, चक्र किस चीज की पहचान है। अब मैं आपसे पूछूं कि ईसाई धर्म की पहचान क्या है,
तो आप यही कहेंगे कि ईसाई धर्म का पहचान क्रॉस होता है। इस्लाम धर्म की पहचान क्या है तो आप बताएंगे चार तारा होता है। हिंदू धर्म का क्या पहचान है तो आप बताएंगे ओम होता है। उसी तरीके से बौद्ध धर्म का पहचान चक्र होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि तिरंगे झंडे में चक्र के जगह पे चार तारा बना रहे तो आप झंडा देख के क्या समझेंगे भारत कौन सा राष्ट्र है? बताइए भारत कौन सा राष्ट्र कहेंगे? इस्लाम क्रॉस बना रहेगा तो ओम लिखा रहेगा तो अच्छा कर बनाया तो हमको कोई समझ नहीं आएगा भारत कौन सा राष्ट्र है। चक्र बौद्ध धर्म का प्रतीक है, यानी हमारे तिरंगे झंडे में क्या बना है? अशोक चक्र बना है। चक्र बौद्ध धर्म का प्रतीक है। तो भारत कौन सा राष्ट्र है ये हमको कहने की जरूरत नहीं है। हमारे तमाम धंधे लोग बैठे हैं ये अच्छी तरह जानते हैं कि चक्र है क्या। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको जो यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि हमको भारत को फलाना पति बनाना है, ये हमको बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा आर्य भारत वो है, हमको समझने की जरूरत है, हमको जानने की जरूरत है। हम जब कोई सरकार बनती है यानी मैं इस कुर्सी पर बैठ करके भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते के अनुसार कार्य करूंगा। ये कुर्सी पे लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रपति जिस चेयर पे बैठता उसके पीछे एक ही मूर्ति लगी है पूछे वो भी है भगवान बुद्ध की है। तो सारी की सारी चीजें ये इस देश की पहचान बुद्ध से है। आपको और मैं बताऊंगा यहाँ कोई अच्छे होटल नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जानते हैं यहाँ के बाहर के लोगों को रुकाने के लिए होटल बनाया। उस होटल का क्या नाम रखा? अशोका को मौर्या से राजा उन्होंने दूसरे के नाम से रख लिया उसका नाम। ये सारी भारत की जो पूरी की पूरी संस्कृति है आपसे जुड़ी हुई है। मौर्य लोग के लिए मंत्री नहीं हुए लेकिन आज मौर्य एक्सप्रेस चलती है, मौर्य धर्म एक्सप्रेस चलती है। क्यों नहीं जो है तमाम लोग पढ़े लिखे मंत्री रह रहे पूरी अट्टी अपने नाम को नहीं रख सकते। ये भारतीय टाइटल नहीं है मोर, मोर एक संस्कृति है, एक सभ्यता है। आज भी कोई चीज खुदाई में निकलती है तो आप क्या कहते हैं? मौर्यकालीन, कलिशकालीन, भूतकालीन। मौर्यकालीन कहने का मतलब ही है कि 2000-2500 साल कोई चीज पुरानी है। ये मौर एक संस्कृति है, ये सभ्यता है, देश की पहचान है। यदि आप इसको इस चीज से निकाल देंगे तो भारत में कुछ भी नहीं बचेगा। अब एक चीज और बताता हूँ। मौर्या जी जाते हैं जमीन पर की रजिस्ट्री कराने तो जो स्टैंप पेपर होता है उस पर क्या बना होता है आप उसको सूरज की रोशनी में देखिएगा तो उसमें अशोक का राज बना होता है, चक्र बना होता है। यानी जिस कार्ड जिस पे रजिस्ट्री कराने जाते हैं वो कागज पर पहले ही से मौर्या जी का नाम लिखा हुआ है। मौर्या जी के पुरखों का पहले ही से फोटो बना है अशोक का राज। मौर्या जी अपना उस पर धराधर रजिस्ट्री कराए जा रहे हैं कि भारत की जितनी भूभाग है जिसकी जितनी है सब मौर्या जी की है। मौर्या जी के कागज पे सब लोग रजिस्ट्री करा, मौर्या जी के जमीन को सब कोई बेच रहा है और मौर्या जी सोए पड़े हैं। ये भारत की जितनी जमीन है सब अपने आपकी है। इसको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। जब तक आप नहीं जानेंगे जब तक आप सोए रहेंगे सब लोग आप पे शासन करते रहेंगे, आप पे अत्याचार करते रहेंगे। आप जागिए, आप सम्राट अशोक की जो अपनी पुरानी तलवार है उसको फिर से निकालिए। हमारे पूर्वजों ने क्या किया, उस तलवार को इतना खेतों में इस्तेमाल कर दिया कि वो तलवार जो है खुरपी बन गई। अपनी उस जो तलवार है जो खुरपी बन गई है उस खुरपी को फिर से आप पीट पीट करके तलवार बनाइए और फिर से अपने सत्ता को हासिल करिए। जब तक आप फिर से उस खुरपी को पीट के तलवार नहीं बनाएंगे आप सत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं। ये सत्ता हासिल करने का एक ही तरीका है, आपको अपने ताकत का परिचय दिखाना पड़ेगा। सम्राट अशोक को कोई ऐसे राजा नहीं मान लिया था।
वो भी अपने तलवार से दुनिया के ताकत को दिखाया था। इसके बाद लोगों ने उसका सम्राट माना था। एक कहानी मैं बताता हूँ। सम्राट अशोक बहुत बड़ा राजा जब बन गया था, उसने अपने गुरु शिष्य से पूछा, गुरुवर इस धरती पे हमसे भी बड़ा कोई धर्मात्मा राजा है क्या? उसका गुरु शिष्य उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनता है और कहता है, राजन इसमें कोई दो राय नहीं, आपने अपनी जितनी धन संपदा है प्रजा के सुख सुविधा में लगा दिया, बहुत लोगों को चीवर पहना के धर्म प्रचार में भेज दिया, आप स्वयं भी मिट्टी के बर्तन में भोजन करते हैं और जमीन पे सोते हैं, लेकिन फिर भी आप उस स्तर पे नहीं पहुंचे।